आप देख रहे हैं एसकेके न्यूज। पेय पदार्थों में कीड़े निकलने का सिलसिला जारी है। यहाँ बिजनौर के चांदपुर में कोल्ड ड्रिंक में कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है युवक जब बच्चे के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो वो दंग रह गया। युवक ने देखा कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर कीड़े तैर रहे हैं। ऐसे में अब लोगों को पेय पदार्थों को लेकर काफी सावधान रहने की जरूरत है। जी, मैंने एक माजा की बोतल अपने पड़ोसी दुकान पे अनीस अंसारी की दुकान से खरीदी है। जी, इस बोतल में कुछ 5-6-7 कीटाणु हैं, जैसे कि मक्खी मकोड़ा और भी खतरनाक कीटाणु हो सकते हैं। मैंने अपने बच्चे के लिए ली थी, छोटा सा बच्चा है मेरा। बिजनौर के सहारनपुर में रहने वाले दिनेश नाम के युवक ने थाने में तहरीर देकर अपनी पत्नी को तलाशने की गुहार लगाई है। बताते हैं कि उसकी पत्नी 4 महीने से लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसके साथ ही पीड़ित ने अपने साड़ू के खिलाफ भी तहरीर दी है। पति की माने तो साड़ू के साथ पत्नी के अवैध संबंध थे। अब पीड़ित अपने छोटे बच्चों के साथ थाने के चक्कर लगा रहा है। पेट्रोल पंप के मीटरों में गड़बड़ी का सच उजागर हुआ है। तो जब मुख्यालय के पंप पर एक पत्रकार ने पेट्रोल की कमी को लेकर पंप मालिक से शिकायत की तो उन्होंने अपने मीटर को सही कराते हुए पत्रकारों को धमकाया। वहीं डीएम से अब की गई शिकायत के आधार पर घटतौली पर कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, जिसके चलते अब अन्य पंपों की जाँच का अभियान चलाया जाएगा। देखिए, जहाँ तक घटतौली की बात है, यदि ऐसा हो रहा है तो यह गलत है। मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन आज चूंकि आपने यह मेरे संज्ञान में डाला है तो मैं पूरे जनपद में इसका एक अभियान चलाकर घटतौली की जांच कराऊंगा। जिला पूर्ति अधिकारी और परगना मजिस्ट्रेटों को इस हेतु सख्त निर्देश दिए जाएंगे। 3 तलाक के मुद्दे पर पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए सपा नेता आजम खान ने कहा कि मोदी जी सियासी शख्सियत का नाम है। आजम ने यहां तक कहा कि ना तो मोदी हिंदू धर्म से वाकिफ है और ना ही वो इस्लाम धर्म को जानते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी चाहे कोई कानून बना दें, लेकिन मानने वाले वही कानून मानेंगे जो शरीयत का कानून है। मोदी जी एक सियासी शख्सियत का नाम है और ना वो हिंदू धर्म से वाकिफ हैं, ना वो इस्लाम से वाकिफ हैं। अगर वो अपने धर्म से वाकिफ होते तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखते, अपनी माता जी को अपने साथ रखते। इस्लाम में जो उसूल कुरान ने और हदीस ने कायम कर दिए हैं, उन उसूलों को दुनिया का कोई कानून नहीं बदल सकता। मोदी जी चाहे कोई कानून बना दें, लेकिन मानने वाले वही कानून मानेंगे जो उनकी शरीयत का कानून है। रामपुर के शाहबाद के सेफनी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ बेटी की लगन से घर लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई तो 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताते हैं कि रफ्तार तेज होने के कारण कार ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी और ट्राली भी खाई में जा गिरी तो अब 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। तो वहीं ट्रॉली में 50 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। ट्रैक्टर से बचा के ये आप कहाँ से रहे थे, मतलब लगन क्या, क्या किस प्रोग्राम में से आ रहे थे? बहन की लगन थी। आपकी बहन की लगन थी? जी जी। कहाँ जा रहे थे? सावा जा रहे थे। अच्छा। लगन दे के आ रहे थे सावा, तो अचानक एक्सीडेंट हुआ। जी, इधर से बहन जा रही थी, उसे टक्कर मार दी। कितने लोगों को चोट आएंगी? लगभग 5-6 लोग घायल हुए, एक की डेथ हो चुकी है। देवंश्री त्रिपुर में मां बालाजी सुंदरी जी देवी मेले के समापन के मौके पर पत्रकारों का शुक्रिया अदा किया गया तो कार्यक्रम के संयोजक द्वारा पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। इसी के साथ मेले में चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया था, जिसका समापन डॉक्टर मोहम्मद अरशद द्वारा किया गया। बवासीर का पक्का इलाज खूनी हो या बादी, एक ही टीके में गारंटी के साथ जड़ से खत्म। बवासीर का इलाज अब बिना ऑपरेशन सफलतापूर्वक इंजेक्शन द्वारा कराया जाता है। डॉक्टर AM त्यागी, संपर्क करें 9758415216, 9412803030, MSC क्लिनिक, कमालपुर रोड, गोकुलपुर गर्ल रोड, मेरठ।